जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास का नवमा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आइए करते हैं अध्याय को प्रारंभ। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मणों को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वेवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वे भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह पूरी योनि नहीं पाते न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी स्तोना और गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों व्यतिपात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी मौन रहने वाला मीठा बोलने वाला क्षमाशील नीतिवान किसी की निंदा न करने वाला सब प्राणियों पर दया करने वाला पराय धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य भी कभी नरक को नहीं भोगता। तो दोस्तों ये था माघ मास का नवमा अध्याय। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।